हेलो एवरीवन, कोमल्स किचन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके साथ में व्रत में खाए जाने वाले साबूदाना वड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने साबूदाना लिया है। साबूदाना को हमने पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। अब हमने एक बर्तन में उबले हुए आलू लेने हैं। इन आलू को हम मैश कर लेंगे। अब इसमें हम भीगा हुआ साबूदाना डालेंगे। इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम क्रश किया हुआ सिंगदाना डालेंगे। सेंधा नमक ऐड करेंगे इसमें हम। क्रश की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। क्रश की हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। नींबू का रस डालेंगे। अब इन सभी चीजों को हमने अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। तो साबूदाना के वड़ा बनाने के लिए हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। तो आइए अब हम साबूदाना के वड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने हाथ पर थोड़ा सा ऑयल ले लेना है, फिर जो हमने साबूदाना का मिक्सचर बनाया था वो हम हाथ पे ले लेंगे और हमने इस तरह से वड़े के शेप में बना देना है। इसे राउंड नहीं रखना, थोड़ा सा फ्लैट रखना है हल्का सा हमने। इसी तरह से हमने सारे साबूदाना के वड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं।
तो सारे साबूदाने के वड़े बनकर तैयार हो गए हैं। आइए अब हम इन्हें डीप फ्राई करते हैं। यहाँ पे हमने तेल गरम करके रखा हुआ है। हमने गैस की फ्लेम को हाई रखा है। अब इसमें हम साबूदाने के वड़े को डाल देंगे। जब साबूदाना के वड़े ऊपर से हल्के हल्के गुलाबी रंग के दिखने लगे, उसके बाद हमने इसे टर्न कर लेना है। तो दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन वड़ों को फ्राई कर लेंगे। तो साबूदाना के वड़े तैयार हो गए हैं फ्राई करके। अब हम इनके साथ सर्व करने के लिए एक फराड़ी चटनी बनाते हैं। इसके लिए हमने एक बाउल में नारियल का पाउडर लेना है, सूखा नारियल भी ले सकते हैं आप। इसमें हम सिंगदाना डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, जीरा डालेंगे, सेंधा नमक डालेंगे, थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे, नींबू का रस ऐड करेंगे, अब इसमें पानी डालकर हमने इसे क्रश कर लेना है। तो लीजिए, हमारी फराड़ी चटनी तैयार हो गई है। आइए अब हम वड़ों के साथ में सर्व करते हैं इसे। तो लीजिए, व्रत में खाए जाने वाले टेस्टी एंड क्रिस्पी साबूदाना के वड़े तैयार हैं। हमारी आज की रेसिपी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।